ललन टॉप अड्डा इन पार्टनरशिप विद डाबर चवन प्राश सर्वोकॉन डॉक्टर ऑर्थो टूरिज्म पार्टनर गुजरात टूरिज्म सेलिब्रेशन पार्टनर मॉर्फियस डेयर टू ड्रीम। जिस सब्जेक्ट पर ऐसे फुसफुसाकर बात की जाती है कि पता है उसके बारे में पता चला है, उस सब्जेक्ट पर डॉक्टर तनिया बहुत खुलकर बात करती है। डॉक्टर्स को ये बात पसंद नहीं आती है कि मैं ये कर रही हूँ। पहली चीज, लड़कियाँ टेट्रा पैक नहीं होती हैं, उनमें सील नहीं होती है, आपकी सील नहीं टूटने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आदमी अपनी वाइफ के नाभि को पेनिट्रेट कर रहा था, क्योंकि बच्चा पेट से आता है। क्या स्तन और पीनिस दोनों का साइज बढ़ाया घटाया जा सकता है? आजकल लोग करियर बनाने के चक्कर में थोड़ा एज ज्यादा हो जाती है, तो एक आदर्श उम्र क्या होगी बेबी प्लान करने की? अ मैन शुड मास्टरबेट, और ये नेचुरल है या जो भी चीज है। तो वो गर्ल्स के लिए ऐसा टैबू बना के रखा है कि मतलब इफ अगर तुम कर रहे हो तो वो चीज गंदी है या गलत है। प्लीज ये मनगढ़ंत आइडिया निकाल लें कि मास्टरबेशन में कोई शर्म की बात है। द बेस्ट द सेफेस्ट सेक्स यू कैन हैव इज द सेक्स यू हैव विद योरसेल्फ। कि आपको इसका आंसर नहीं पता है कि सी सेक्शन को सी सेक्शन क्यों कहते हैं, तो बहुत बुरा मत फील करिए। मैंने 2 महीने पहले बिल गेट्स से ये सवाल पूछा था, उनको भी आंसर नहीं पता था। हाइट कम होती है तो हड्डियाँ छोटी होती हैं, यानी पेल्विस जहाँ से बच्चा बाहर निकलना चाहिए उसका साइज भी छोटा होता है, तो कभी कभी बच्चे का सर ही नहीं फिट आता है, कभी कभी सर अटक सकता है। बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है, मम्मियों के इतने एफर्ट से और उनके शरीर पे इतना लोड लेने से हम लोग यहाँ हैं। तो जिस टॉपिक पर इस देश में खुलकर बात नहीं होती, उस पर आसान भाषा में आपकी और मेरी बोलचाल की भाषा में समझाने वाली डॉक्टर तनिया नरेंद्र, जिनको जनता डॉक्टर क्यूटर्स के नाम से जानती है, वो हमारे बीच में आने वाली है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर तनिया नरेंद्र का, जिनको आप लोग इंस्टाग्राम पे डॉक्टर क्यूटर्स के नाम से जानते होंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर क्यूटर्स का। ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए मैं सीधे एक लाइन में परिचय देती हूँ। डॉक्टर क्यूटर्स, जिनका असल नाम डॉक्टर तनिया नरेंद्र है, वो हमारे बीच है। पहले तो आप तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए, ताकि उनको लगे कि यहाँ उबासी लेने वाली आलसी जनता नहीं है, ये ध्यान से सुन रही है। वैसे तो आप सब इनसे परिचित होंगे, क्योंकि मुझे सब जेन ज़ी और मिलेनियल से यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन दे दूं। डॉक्टर तनिया सेक्सुअल हेल्थ एजुकेटर हैं, और जिस सब्जेक्ट पर ऐसे फुसफुसाकर बात की जाती है कि पता है उसके बारे में पता चला है, उस सब्जेक्ट पर डॉक्टर तनिया बहुत खुलकर बात करती है, और न केवल बात करती है बल्कि सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। जिस देश में सैनिटरी पैड भी काली पन्नी में बांध कर दिए जाते हों, जिस देश में रिप्रोडक्शन का चैप्टर आने पर टीचर्स लड़कों की अलग क्लास और लड़कियों की अलग क्लास लेते हों, वहाँ आप ये काम कर रही हैं। पहला सवाल यही है, कैसे आपको आइडिया आया कि खुलकर बात करें, और कोई इसे आपसे मतलब बुरा भी मान सकता था, कोई इसको गलत भी मान सकता था कि क्या बात है, इसके बारे में क्यों ऐसे बात करनी है? इसे बुरा मानने वाले बहुत लोग हैं, बट उससे ज़्यादा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ हम ये डिस्कस कर सकते हैं। तो आंसर मैं इस चीज़ से शुरू करूँगी, जो एक कहानी है जो मैं हर जगह सुनाती हूँ, मेरी फेवरेट कहानी, जिस कहानी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इस एरिया में जाऊँ, मैं सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में लोगों को एजुकेट करूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरे माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों फर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं, और इन लोग के एक पेशेंट थे जिनको 7 साल की शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था। तो फर्टिलिटी डॉक्टर के पास ये कपल पहुंचा कि भाई क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये। तो इनके इन्वेस्टिगेशंस किए गए, और इन्वेस्टिगेशंस में सब कुछ बेहतरीन आया। देयर वाज नो रीज़न कि इस कपल को बच्चा होने में दिक्कत होनी चाहिए थी। थोड़ी देर कन्फ्यूज रहे, और टेस्ट किए गए, फाइनली मेरे पापा ने कहा कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और पापा ने, जो हस्बैंड है, उसको पापा अपने चेंबर में लेके गए और पापा ने पूछा, भाई तुम कर क्या रहे हो? एंड लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की हालत ये है कि पापा को इस कॉन्वर्सेशन में पता चला कि पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के नाभि को पेनिट्रेट कर रहा था, क्योंकि बच्चा पेट से आता है, पेट में एक छेद है, सेंस तो यही बनता है। तो एजुकेशन की इतनी ज़्यादा कमी है अनफॉर्चुनेटली, कि चाहे वो फर्टिलिटी रिलेटेड हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड हो, सिखाया कुछ नहीं जाता है। तो इन सब चीज़ों का मैं बड़े होते हुए देखती गई, ऐसी और कहानियाँ सुनती गई, कभी कभी हंसी भी आती थी, कभी कभी रोना भी आता था, और इन सब चीज़ों की वजह से आई डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस स्पेस। अच्छा, एक ना सबसे कॉमन सवाल है,
जो मुझे लगता है हर टीनेजर ने अपने एज में सुना होगा, मतलब हर कोई, चाहे वो किसी भी राज्य से आते हो, कि पहली बार सेक्स करने पे बहुत दर्द होता है और कोई हाइमेन नाम की चीज़ होती है जो फटती है तो ब्लड भी आता है। अगर वो नहीं आया है तो वो लड़की पहले से सेक्स कर चुकी है या किसी और के साथ सेक्स करके आई है। ऐसा मुझे मतलब लगता है कि शायद हर किसी ने, आप में किसी ने सुना है ये बात? एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं ये आंसर स्टार्ट करूँगी। वो ये होता है कि मोर देन हाफ ऑफ वुमेन, उनको ब्लीडिंग नहीं होती है पहली बार सेक्स करने में। अगर वजाइना एडिक्वेटली अराउज्ड है, यानी कि टर्नड ऑन है, तो जैसे पीनस में एक इरेक्शन होता है ना बाहर की तरफ, वैसे वजाइना में एक अंदर इरेक्शन होता है, अगर हम ऐसे समझ लें। क्योंकि वजाइना कोई कमज़ोर चीज़ तो है नहीं, बच्चा निकलता है भाई वहाँ से, बहुत मसल्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है वो। तो वजाइना के अंदर एक स्पेस क्रिएट होती है, और जैसे ही ये स्पेस क्रिएट होती है उसके साथ साथ हाइमेन भी एक्सपैंड करता है। हाइमेन को अगर हम ऐसे समझें कि वो एक रबर बैंड है, पहली चीज़, लड़कियाँ टेट्रा पैक नहीं होती हैं, उनमें सील नहीं होती है, आपकी सील नहीं टूटने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइमेन जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट बचा रह जाता है, और जब वजाइना एक्सपैंड करता है तो हाइमेन भी एक्सपैंड करता है। और हाइमेन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें वही समझनी है वो ये है कि अगर वजाइना के एंड पे एक सील होती तो मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसे बाहर आता? मेंस्ट्रुअल ब्लड तो अंदर इकट्ठा होता। अब ये कहने की बात नहीं है, एक्चुअली एक अबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन, जिसमें हाइमन में बिल्कुल छेद नहीं होता है। और ये डायग्नोस तब होती हैं जब लड़कियां 15-16 साल की होती हैं, जब उनको कुछ समय से पीरियड हो रहा होता है और वो पीरियड का ब्लड बाहर नहीं आता है और उनको खूब पेट में दर्द होता है। वो हम लोग के पास हॉस्पिटल में ये बोल के आती हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, अभी तक पीरियड नहीं आया है और पेट में बहुत दर्द होता है। फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं और हम देखते हैं कि हाइमेन एकदम बंद है, जो हाइमेन में नेचुरल छेद होने चाहिए, हमेशा से होने चाहिए, वो नहीं है। इस वजह से सालों से ये ब्लड पीछे इकट्ठा होता जा रहा है और फिर हमें पेशेंट को एनेस्थीजिया दे के हाइमेन में एक्चुअली छेद करना पड़ता है, तो खुल जा सिमसिम सर्जरी करनी पड़ती है। तो हाइमेन जो होता है नेचुरली एक छन्नी की तरह होता है, उसमें छोटे 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 छेद होते हैं, और आधे से ज़्यादा हाइमेन जो हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली राउंड होते हैं, जैसे हम लोग वो फैब्रिक वाले रबर बैंड आते हैं ना आजकल, सिल्क वाले जो इंस्टाग्राम पे 50 रुपए का एक बिकता है, वैसे वाले जो रबर बैंड होते हैं, मोस्ट हाइमेंस का शेप वैसा होता है। और हाइमेन एक ऐसा टिश्यू होता है जो टिका रहता है, डिलीवरी के टाइम पे भी हाइमेन के रेमिनेंट दिखते हैं। तो हाइमेन का वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, लड़की है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बोतल नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वो इश्तिहार देखा है, गुप्त रोगी मिले, देखा है? और अखबारों में आने वाला वो एड पढ़ा है, ये तेल लगाने से स्तन का साइज बढ़ जाएगा, या फिर खास करके लड़के, उनके बीच में ये बातें ज़रूर होती हैं कि कैसे पीनिस का साइज़ बड़ा करें, है ना, या कैसे बड़ा हो सकता है, ये ज़रूर क्लियर कर दीजिए। यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, क्या स्तन और पीनिस दोनों का साइज़ बढ़ाया घटाया जा सकता है? पीनिस का साइज़ सर्जरी के साथ चेंज किया जा सकता है, पर वो सर्जरी अक्सर सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि आप पीनस को बड़ा नहीं कर रहे हैं। पीनस जो है एक लिगामेंट से ऊपर लटका रहता है, उस लिगामेंट को हम काट देते हैं तो वो और नीचे लटक जाता है, बस ये होता है और कुछ भी नहीं होता है। और इसकी वजह से इंजरीज भी हो सकती हैं, पीनस का डायरेक्शन बदल सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, पिल्स, क्रीम, लोशन, तेल, मसाज, इन सबसे साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा पड़ता तो भाई जिन लोगों की बड़ी नाक होती है वो राइनोप्लास्टी क्यों कराते? वो भी तेल लगा लगा के नाक छोटी कर लेते या नाक बड़ी कर लेते। इस तरह से कोई भी मैजिक क्रीम लोशन नहीं होता है जो एक शरीर के ऑर्गन पे काम करके उसका साइज़ बदल सके। तो अगर आपको ब्रेस्ट के साइज़ से प्रॉब्लम है तो वज़न बढ़ाने से या वज़न घटाने से उसका साइज़ बदल सकता है, बट हर किसी के शरीर में फ़ैट का जो डिपोजिशन का पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। किसी के थाइस पे ज़्यादा फैट आता है, किसी के बैक पे ज़्यादा फैट आता है, किसी के पेट पे ज़्यादा आता है। तो डिपेंडिंग कि आपके शरीर का पैटर्न कैसा है, ये भी हो सकता है कि आपका वज़न काफ़ी बढ़ जाए और आपके ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो मेन चीज़ जो है, जो एक्सेप्ट करनी है, कि जैसा भी शरीर हो बढ़िया है। सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस,
ह्यूमंस की जो खूबसूरती होती है वो हमारी डाइवर्सिटी होती है. अगर हम अपने शरीर की नॉर्मल चीज़ों को समझ सकें, एम्ब्रेस कर सकें, तो ये जो फालतू की इंडस्ट्री चल रही है ना, जो हम लोगों को अपने ही शरीर में शेम फील कराती है, वो बंद हो जाएगी. मास्टरबेशन को लेके, हाउ ऑफन अ मैन शुड मास्टरबेट, और ये नेचुरल है या जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर कुछ. इन्होंने पूछा है कि लड़कों का मतलब कब मास्टरबेट करना चाहिए, कितने समय में मास्टरबेट करना नॉर्मल है, यही सवाल था. कितना मास्टरबेशन सेफ है, यही पूछ रहे हैं ना आप. यहाँ एक्चुअली लोगों को लग रहा है कोई है वाली बात हो रही है और लोग है कर रहे हैं, जो कि बहुत साधारण सा नॉर्मल सा सवाल है. तो अगर है करे बिना मैं सवाल सुन सकूँ तो मुझे पता भी चले क्या पूछा जा रहा है. मैम यही सवाल था उनका कि कितनी बार मास्टरबेट करना सेफ है. हाँ, क्या सेफ है कि नहीं है और कितनी बार. तो पहली चीज़ ये है कि मास्टरबेशन एक सेक्सुअल डेवलपमेंट का नॉर्मल पार्ट होता है, हर कोई करता है. और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मास्टरबेट नहीं करते हैं तो नाइटफॉल में सब बाहर आ ही जाता है. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं, अगर वो बच्चे को दूध ना पिलाएं, किसी से भी पूछ लीजिएगा जिसने ब्रेस्ट फीड कराया होगा, तो वो ये बताएंगे कि ब्रेस्ट से लीकिंग होती है, क्योंकि शरीर में स्पर्म पूरे समय बनता है. एक जो मैंने पिछले वीडियो में फैक्ट शेयर किया था जो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, वो ये है कि हर सेकंड ऑन एवरेज एक आदमी 1500 स्पर्म बनाता है अपने टेस्टिकल में पर सेकंड. तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. तो या तो आप उसको निकाल दीजिए या वो शरीर में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा या वो अपने आप बाहर आ जाएगा. शरीर क्या करता है कि मैक्सिमम हाई क्वालिटी स्पर्म को आगे पुश करने की कोशिश करता है, ताकि हमारा दिमाग अभी भी प्रिमिटिव है, हमारा शरीर अभी भी प्रिमिटिव है. हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चा सबसे अच्छा कैसे पैदा होएगा, ह्यूमंस का एवोल्यूशन सबसे अच्छा कैसे होएगा. तो मास्टरबेशन बहुत कॉमन चीज़ है, पहली बात. दूसरी बात, एक लेवल होता है जो हर कोई अपना सेफ समझता है. अगर उससे ज़्यादा आपको खुद से फील हो रहा हो, अगर आपको अपने सेक्सुअल बिहेवियर पे सवाल उठ रहे हो, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, तो वो एक सही समय है कि आप रुक जाएं और आप एक स्पेशलिस्ट से बात करें जो आपको गाइड कर सके. तीसरी बात, मास्टरबेशन एडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. हम लोगों ने जो एक हम डॉक्टर्स की एक किताब होती है उसको हम DSM बोलते हैं, साइकाइट्रिस्ट DSM को रेफ़र करते हैं, और DSM में मास्टरबेशन एडिक्शन नाम की कोई डायग्नोसिस नहीं होती है. कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर एक टाइप की चीज़ होती है, जिसको टाइगर वुड्स को इसको डायग्नोसिस मिली थी ये वाली. बट ऐसा नहीं है कि एक सेट अमाउंट है जो ख़राब है. जितना आपको ठीक लगे, जितना आपकी नॉर्मल लाइफ से इंटरफियर ना करे, ये ना होना चाहिए कि भाई स्कूल छोड़ रहे हैं घर पे बैठ के मास्टरबेट करने के लिए या पॉर्न देखने के लिए. होता है भाई, मैं मिली हूँ लोगों से ऐसे, काम छोड़ते हैं, सोशल ओकेजन्स छोड़ देते हैं, क्योंकि एक दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि बस मास्टरबेशन ही एक चीज़ है जिससे प्लेजर आ रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके अलावा एक नॉर्मल चीज़ है, हेल्दी चीज़ है. मास्टरबेट करने से आपका प्रोटीन नहीं गिरेगा, आप अंधे नहीं होंगे, हाथ में बाल नहीं उगेंगे. एक सवाल कमेंट सेक्शन में मुझे दिखा था तो मैं नोट करके लाई हूँ. क्या ज़्यादा मास्टरबेट करने से स्पर्म की कमी हो जाती है या तबीयत खराब हो सकती है? वंस अगेन, 1500 स्पर्म पर सेकेंड, ऐसी कौन सी हाई प्रोडक्शन फैक्ट्री है कि इसमें भी कमी पड़ जाए. बट ऑल्सो एक स्टडी है जो काफ़ी कोट करी जाती है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, कोई अटरम पटरम जगह नहीं हुई है. उसमें ये बताया गया था कि जो लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट, जो कि एक ग्लैंड होती है आदमियों में, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, करीब 30-40% कम हो जाता है. तो कंपल्सिव मास्टरबेशन नहीं करना है, पर प्लीज़ ये मनगढ़ंत आइडिया निकालें कि मास्टरबेशन में कोई शर्म की बात है, ये हेल्दी और नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट का पार्ट है. अगला सवाल. थैंक्स मॉम अवेयरनेस के लिए. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम रूरल एरिया में इस अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं और आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? रूरल इंडिया में सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं और आप इसके लिए या आपकी फेटर्निटी की लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? तो एक बहुत ही सैड बात है, वो ये है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स को ये बात पसंद नहीं आती है कि मैं ये कर रही हूँ. तो फ्रटर्निटी को भी थोड़ा समय लगेगा अपना माइंडसेट चेंज करने में, क्योंकि हमारा
इंडिया में यार हर जगह कहीं नहीं एक्सेप्ट होता है ये, मुझे बहुत ही रेडिकल इंसान समझा जाता है, जबकि मैं बहुत ही नॉर्मल बात कर रही हूँ, कोई मैं ऐसी भयंकर बात नहीं कर रही हूँ। तो रूरल इंडिया में चेंज आने में ऑनेस्ट टू गॉड समय लगेगा। हम लोग जो कर रहे हैं, मैं इसलिए सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, यूट्यूब पे मैं अपने सारे वीडियोज़ हिंदी में बनाती हूँ, इंस्टाग्राम पे अंग्रेज़ी में बनाती हूँ, वो इसलिए है क्योंकि एक फ्री बैरियर फ्री एक प्लेटफॉर्म है, सबके पास इंटरनेट है आजकल, जियो ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है हिंदुस्तान में, हर जगह इंटरनेट पहुँच चुका है, हर कोई वीडियोज़ देखता है, चाहे आपके यहाँ जो ड्राइवर हैं वो, चाहे आपके बॉस, वीडियोज़ हर कोई देखता है। तो हम लोग इसलिए वीडियोज़ से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसमें पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी तक ये मैसेज पहुँच सके। इसके बाद उम्मीद, प्रार्थना, कोशिश यही है कि हम स्कूलों के करिकुलम में ये पहुँचा सकें। कोशिश बहुत ज़ोर से जारी है, लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। आप क्या कर रहे हैं? ये हम सब की समाज में कलेक्टिव कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी टीचर की जिम्मेदारी नहीं है ना कि सिर्फ वो ही इसके लिए जिम्मेदार है कि आखिरी व्यक्ति तक वो बात पहुंचे। हम सब मिलकर क्या एफर्ट्स करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, नमस्ते मैम, शेयर करिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम शिवानी है और मेरा सवाल है कि क्या 30 मतलब एज ज़्यादा हो जाने पर बेबी प्लान किया जा सकता है? जैसे आजकल लोग करियर बनाने के चक्कर में थोड़ा एज ज़्यादा हो जाती, तो एक आदर्श उम्र क्या होगी बेबी प्लान करने की? अनफॉर्चुनेटली आदर्श उम्र जो होती है वो कम ही होती है। हम कहते हैं लेट 20 से अर्ली 30 बेस्ट टाइम है। इनफैक्ट अगर हमारे पास 35 से ऊपर की कोई प्रेग्नेंट औरत आती है तो हम उसको एल्डरली मदर बोलते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लड़कियाँ जो होते हैं ना, हमारे शरीर में हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास ज़िंदगी भर जितने अंडे होने वाले हैं हम उस सबके साथ पैदा होते हैं। आदमियों की तरह हमारे पास रेडी फैक्ट्री नहीं होती है। एक समझ लीजिए, आप एक बैंक में खाते में कुछ पैसे के साथ पैदा हुए हैं, तो ज़िंदगी चलती जाएगी तो खाते से पैसे कम होते जाएंगे। तो जो हाई क्वालिटी एग्स हैं वो सबसे जल्दी शरीर पुश करता है। तो फर्टिलिटी अवेयरनेस और फर्टिलिटी प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उसको प्लान करिए, डिसाइड करिए और उसके हिसाब से प्लान बनाइए, क्योंकि ऑन एवरेज 6 महीना लग जाता है प्रेग्नेंट होने में जनरली लोगों को। तो थोड़ी सी ये दिक्कत है अनफॉर्चुनेटली, और 35 से पहले मैं रेकमेंड करती हूँ सब लोग प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें। फिलहाल मैं 30 साल की हूँ, मैंने प्रेगनेंसी के बारे में सोचा भी नहीं है। और ये चॉइस की बात होनी चाहिए। एक सवाल और है, और जो लड़के मास्टरबेशन के सवाल पर या जवाब पर तालियां बजाकर बड़ा खुश हो रहे थे, ये सवाल का जवाब आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि अगर पुरुष सेक्स के दौरान वजाइना में इजैकुलेट ना करे, क्या तब भी कॉन्डम पहनना ज़रूरी है? जी हाँ, कॉन्डम्स सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए नहीं होते हैं। कॉन्डम्स एक बहुत अच्छी चीज़ करते हैं, वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम से प्रिवेंट होते हैं। दुनिया में और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं होता है जो आपको STI से बचाए। अब मज़े की बात यह है कि मोस्ट STIs के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो आप मस्त 30 साल अपने शरीर में STI लेके घूम रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा। और जब आपको कोई डिफ़िकल्टी होएगी शायद 10 साल बाद, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको पता चलेगा कि STI आपके शरीर में ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुका है। इसलिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्डम हमेशा यूज़ करना चाहिए। और अनलेस ऑफ कोर्स आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप और आपका पार्टनर सिर्फ एक दूसरे के साथ हमेशा रहें और बाहर जाने का कोई लाइकलीहुड नहीं है। बट दूसरी बात यह है कि STI का एंगल अगर आप हटा भी दें तो भी स्पर्म सीमन निकलने से पहले एक क्लियर फ्लूइड होता है जो निकलता है, उसको हम बोलते हैं प्रीकम। कॉमन भाषा में प्रीकम में भी स्पर्म होता है, तो प्रीकम से भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो पुल आउट मेथड होता है जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं, जिसमें इजैक्युलेशन से पहले अगर आप पीनस बाहर निकाल लें, उसमें करीब 30% फेलियर रेट होता है। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं और आप एक STI के लिए तैयार हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, तो करिए। अगला सवाल। नमस्ते मैम। हेलो मैम।
आई एम ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट, मैं इंटर्न ही हूँ अभी, बट जैसे अभी आपने बॉयज़ के लिए एक्सप्लेन की है पूरी चीज़ की मास्टरबेशन क्या है क्या नहीं है, तो वो गर्ल्स के लिए ऐसा टैबू बना के रखा है कि मतलब इफ़ अगर तुम कर रहे हो तो वो चीज़ गंदी है या गलत है, और मोस्टली कि जो इसमें एक्टिवेट हैं सेक्सुअली जो एक्टिव हैं वो गर्ल्स कर सकती है, मतलब नॉर्मली उन लोग के लिए अच्छा है, बट जो इफ अगर जिन लोग ने ये चीज़ें नहीं की है उन लोगों के लिए क्या है, वो जिन्होंने कभी मास्टरबेट नहीं किया है उनके लिए, जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया है जिन लड़कियों ने, उन लोग का क्या है? तो जो मैंने मास्टरबेशन के लिए जितनी भी एडवाइस दी थी ना वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बॉय स्पेसिफिक गर्ल स्पेसिफिक, आप ही हो शी हो दे हो जो भी हो, मास्टरबेशन इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है। इनफैक्ट मेरी बुक में मैंने कवर किया है कि इजिप्शियन मिथोलॉजी में ये है कि एक गॉड थे, उन्होंने पूरी दुनिया की एग्जिस्टेंस मास्टरबेट करके बनाई है, तो हमारे हर ग्लोबली जो भी आप पुराना रिलीजन देखेंगे उसमें हर किसी में मास्टरबेशन का मेंशन है, तो ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ अचानक से प्रकट हो गई है 21वीं सदी में जो आजकल सब कर रहे हैं, हमेशा से होता आ रहा है, हर कोई करता आ रहा है, और अपने शरीर को समझना मैं अच्छा मानती हूँ, अपने लाइक्स डिसलाइक्स को समझना मैं ज़रूरी मानती हूँ, तो कोई शर्म की बात नहीं है, आप द बेस्ट द सेफेस्ट सेक्स यू कैन हैव इज द सेक्स यू हैव विद योरसेल्फ, कोई एसटीआई का डर नहीं, कोई प्रेगनेंसी का डर नहीं। नमस्ते मैम, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं, वो मैंने डॉक्टर तनिया की किताब पढ़ी थी इसलिए मुझे पता है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, पढ़ी है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों ने सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में सुना है, डिलीवरी का एक मेथड होता है, आपको पता है उसे सी सेक्शन मेथड क्यों कहते हैं, ये उसकी हिस्ट्री क्या रही है, किसी को पता है? यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता है। डॉक्टर धनिया मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं और पहले वो कितना डिफिकल्ट प्रोसेस हुआ करता था, क्योंकि आज हम यूजुअली सुनते हैं अगर कोई महिला सी सेक्शन ऑप्ट करती है तो कहा जाता है वो अच्छी माँ नहीं है, उसको अपनी बॉडी की चिंता है, बच्चे की चिंता नहीं है, और सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, तमाम तरह के कॉमेंट्स हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं। मैं सी सेक्शन से पैदा हुई हूँ। दूसरी बात, अभी अगर आप लोग को इसके बारे में ख़राब लग रहा है ना कि आपको इसका आंसर नहीं पता है कि सी सेक्शन को सी सेक्शन क्यों कहते हैं, तो बहुत बुरा मत फील करिए, मैंने 2 महीने पहले बिल गेट्स से ये सवाल पूछा था, उनको भी आंसर नहीं पता था। तो सी सेक्शन को सिजेरियन सेक्शन हम फुल में बोलते हैं, लोगों को ये गलत आइडिया लगता है कि सिजेरियन सेक्शन एक्चुअली जूलियस सीजर के नाम पे पड़ा है क्योंकि जूलियस सीजर सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। लैटिन में एक रेक्स सिजारे करके एक लॉ था, वो ये बेसिकली था कि जिन पहले चाइल्ड बर्थ और लेबर में बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती थी, चाइल्ड बर्थ हम आजकल हलवा समझते हैं, एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, शरीर पे बहुत इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का, आप जनरली 40s-50s में लोगों से बात करिए तो वो आपको बताएंगे कि आज क्या वो फील करते हैं उनके शरीर पे चाइल्ड बर्थ के जो इफ़ेक्ट्स आए हैं, चाहे वो उनके पेल्विक फ्लोर पे हों, चाहे वो उनके यूट्रस पे हों, हिस्टेक्टमी वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, शरीर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं पहली बार चाइल्ड बर्थ के। दूसरी बात, बहुत डेडली प्रोसीजर होता था ये, आजकल बहुत बदल गया है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी इंटरवेंशन आ गई है जिसको हम सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, जो कि एक हेल्पफुल प्रोसीजर होता है। इंडिया में सिजेरियन सेक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, ये बात सही है, उसके पीछे कारण भी बहुत सारे हैं, हर कोई कहता है डॉक्टर लालची हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ जगह पे सिजेरियन सेक्शन का रेट गलत तरह से ज़्यादा नहीं है, कुछ जगह पे है, पर एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये समझने की कि हम अपना डेटा अगर वेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो वेस्ट में औरतों का पालन पोषण बहुत अच्छा होता है, हमारे हिंदुस्तान में औरतों का साइज़ छोटा होता है, हमारी हाइट ही कम होती है, हाइट कम होती है तो हड्डियाँ छोटी होती हैं, यानी पेल्विस जहाँ से बच्चा बाहर निकलना चाहिए उसका साइज़ भी छोटा होता है, तो कभी कभी बच्चे का सर ही नहीं फिट आता है, कभी कभी सर अटक सकता है, तो इन सब केसेस में सिजेरियन सेक्शन करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। अगेन बहुत सारे रीजंस हैं, बट उनमें से एक रीज़न ये भी है कि हिंदुस्तान में ये क्यों ज़्यादा होता है, तो बस मैं ये कह रही हूँ कि अपनी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट करिए। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, मम्मियों के इतने एफर्ट से और उनके शरीर पे इतना लोड लेने से हम लोग यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब इतनी आसान भाषा में देने के लिए, और इन टॉपिक पर
इतने सारे वीडियोस और इतने आसान भाषा में बनाकर हम सबको एजुकेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।